अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे ग्वालपुर के जितने भी लोग हैं, हर आदमी का हम शुक्रगुजार हैं। हर मर्द व औरत का, बच्चे का, जवान का, नौजवान का, बूढ़े का, जिन लोगों ने हमारे लिए काफी मेहनत मशक्कत किए हैं और खासतौर से दुआएं मांगे हैं, प्रार्थना की है। आज हम बैग में रहने के बावजूद भी हमको नहीं देख करके, सिर्फ दीदी का ऑनलाइन को देख करके और हमारा शक्ल को मन में रख करके आप लोगों ने जो हम पर एहसान किया है, हम इसको भुला नहीं सकते हैं कभी। यही सिर्फ नहीं, 2011 में भी आप लोगों ने एहसान किया था, 2016 में भी आप लोगों ने एहसान किया, 2019 में हमारे मुताबिक जो है आप लोगों ने 50,000 वोट से ज्यादा लीड दिलवाया था एमपी प्रार्थी को, कर्नल अग्रवाल साहब को, उनके लिए भी हम शुक्र अदा करते हैं। और आज खासतौर से काउंटिंग का दिन था, मैं बेड में पड़ा हुआ हूं, यहां परेशान हूं कोविड से, कोरोना से, विशेष का भी हुआ था, उनको अल्लाह की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से निगेटिव आया है। और साथ साथ जितने भी हमारे जिला के लोग आज दीदी के हाथ को हम लोगों को जिता के मजबूत किया है, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं, लाख लाख जो है सबको धन्यवाद देते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। दीदी आज मजबूत है, बंगाल मजबूत है, बंगाल मजबूत है तो आने वाला दिन हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। आने वाले दिन में दीदी का परचम जो है पूरे हिंदुस्तान में लड़ेगा, इस बात के लिए हम लोग दुआ गो हैं, कोशिश में लगे हुए रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान की आंख है, पूरी दुनिया की आंख है, वेस्ट बंगाल पर था, दीदी पर था, हमारे दीदी का नाइन पर था। हाथ पैर तोड़ने के बाद भी जो है एक टूटी हुई पैर को लेकर के दीदी 294 सीट में घूमी है। लेफ्ट फ्रंट के टाइम में उनका हड्डियों को तोड़ा गया था, सर को फोड़ा गया था, और आज जो है इस इलेक्शन में उनका पैर तोड़ दिया गया। वो टूटा हुआ पैर को लेकर के जो मेहनत की है वो और हमारा अभिषेक बनर्जी था, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, बीजेपी के 6 मुख्यमंत्री, 22 सेंट्रल मिनिस्टर और डिफरेंट एजेंसी सारे लोग जो दिल्ली पैसेंजरी किए हैं, उसका आज पब्लिक, बंगाल के पब्लिक ने जवाब दिया है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रिमेनिंग इंडिया विल थिंक टुमारो। बंगाल में जात और पात के राजनीति नहीं चलता है, यहाँ कल्चरली काफी हाई है लोग, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ जो है हिंदुस्तान के आजादी में डायरेक्शन दिया है। हिंदुस्तान में जितने भी नोबेल लॉरेट्स हैं, जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं, जितने भी पोएट हैं, कवि हैं, जो विद्वान हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, सारे लोग बंगाल ही से ज्यादा पार्टिसिपेट किए हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो। आज ये लोग, इन लोगों की वजह से बंगाली कल्चर बचा हुआ है, और बंगाली कल्चर पूरे दुनिया में रिच कल्चर है। बंगाली जुबान जो है एक रिच भाषा है, इसलिए मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनत मुशक्कत ग्वालपुर के सरजमीन से नहीं, सिर्फ इस्लामपुर, चोपड़ा, चाकुलिया, करंदगी, अहमदाबाद, रायगंज, कलियागंज, इटाहार तक आप लोगों ने जो मेहनत किया है, और थोड़ा सा वक्त मिला था दीदी ने दिया था हमको कुछ विधानसभा देखने के लिए, खासतौर से आपका मालदा का कुछ सीट्स, आपका उत्तर दिनाजपुर का कुछ सीट्स, हम अपने सारा सीट्स में जहां तक मौका मिला हमको दक्षिण दिनाजपुर तक घूमे, लेकिन अपने सीट के जब इलेक्शन प्रतीक आया उस वक्त कोविड हो गया, तब भी आप लोगों ने हमको हमारी नजर को रख करके, दीदी के काम को देख करके, दीदी को देख करके आप लोगों ने आज
73,000-74,000 वोट हम लोग जीताए हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब लोग हमारे लिए सेहत के लिए प्रार्थना करें, अल्लाह भगवान से दुआ करें कि जितना जल्दी हो सके हम आपके बीच में फिर से आ जाए, और आने को काफी ख्वाहिश भी है लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ ये कोविड की वजह से। देखता हूँ कितना कितने दिन में हम ये बीमारी से खत्म हो पाते हैं। मुझे उम्मीद है जहाँ आप लोगों ने जिताया हमको और आपके दुआ से बीमारी भी दूर हो जाएगा, कोरोना से भी जीत जाएंगे हम लोग। सोशल डिस्टेंस, आपके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके कोई मिसिंग मीटिंग न करें हम लोग, वो ज्यादा बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, गवर्नमेंट का साथ दें। मैं बार बार बोलता था कि 200 से ज्यादा सीट आएगा और हमारा 50 से ज्यादा लीड होगा, ये दोनों जो है कामयाब हो गया अल्लाह ने भगवान ने किया, इसके लिए मैं अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग करके, सैनिटाइजर व्यवहार करके आप लोग अपना घर में इफ्तार करें। माह रमजान का दिन है, ये बरकत का दिन है, ये इबादत का दिन है, हम लोग सब लोग इबादत करें, प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।